अब आपको हम ले चलते हैं कलाकारों की नगरी मुंबई में। वहां से ब्रह्मकुमारीज के विले पार्ले स्थित राजयोग मेडिटेशन सेंटर की डायरेक्टर पी के योगिनी दीदी हमसे अपने अनुभव शेयर करेंगी। आप मुंबई अंधेरी में स्थित BSES MG ग्लोबल हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की ही एक और विंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अपनी सेवाओं के लिए आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रेस्टीजियस 8th इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स शामिल है। आइए लाभ लेते हैं दीदी के अनुभवों का। ओम शांति। आज हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे चुनौती भरे समय में हमारी आर्ट और कल्चरल विंग ने सुंदर ऑनलाइन ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमें बहुत ही खुशी है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश विविध कला एवं संस्कृति का अनोखा संगम है, जहां पिछले 5000 वर्षों से रचनात्मक एवं नवीनतम विशेषताओं से भरकर मानव जाति की सेवा कर रहा है। जब भी मनुष्य जीवन में अपनी भाग दौड़ भरी दिनचर्या से एक चेंज व राहत का अनुभव करना चाहता है, तो ऐसे समय पर कई पौराणिक कथाएं तथा वास्तविक संसार में हो रही अनेक घटनाओं से रमणीकता के द्वारा सहज तरीके से ड्रामा, संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर बड़ा योगदान आर्ट एंड कल्चर विंग दे रहा है। आज जीवन में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। देखिए, आज हमें कोई भी बड़ा कल्चरल प्रोग्राम करना होता है, कोई ड्रामा करना होता है, तो भी हमें 3 पावर की आवश्यकता रहती है। पहला, इलेक्ट्रिक पावर। उसके बगैर आप स्टेज पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, मेन पावर। आपको अच्छे अच्छे आर्टिस्ट चाहिए जो अच्छी तरह अपना पार्ट बजाए। तीसरा, मनी पावर। उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। परंतु इन 3 पावर के अलावा एक चौथा भी पावर है, जिसको हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी भर देती है। मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ही कलाकारों की सेवा करने का मौका मिला है। मुंबई में जहां विले पार्ला जुहू स्कीम में यह सेंटर है जहां मैं रहती हूं, वहां बहुत ही आर्टिस्ट हमारे आजू बाजू में रहते हैं। मैं आपको हमारा अनुभव मिली तो मैं कई आर्टिस्ट से हूं, पर मैं 2-4 का अनुभव आपको शेयर कर रही हूं। सबसे पहले 1975 में मुझे भरत व्यास जी से मिलना हुआ।
मुझे हमारे हेडक्वार्टर से हमारी दादी जी ने कहा कि आप मेडिटेशन के ऊपर थोड़े गीत बनवाओ। तो मैं भरत व्यास जी के पास गई, उन्होंने हमने सारा सुनाया कि हम मेडिटेशन के पहले गीत रखते हैं, संगीत को हम प्राधान्य देते हैं, क्योंकि संगीत को नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो उन्होंने कहा जरूर मैं बना दूंगा, और उस समय हमने 4 गीत उनसे लिखवाए जो आज भी मैं कहेंगी हजारों सेंटर पर सुबह 7 बजे हमारे प्रवचन के पहले वो गीत सुनाया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से गीत प्रेम से लिख दिया कि अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। और उस समय में महेंद्र कपूर जी से उन्होंने गवाया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में महेंद्र कपूर को इंट्रोड्यूस करने वाले कवि भरत व्यास जी थे। तो भरत व्यास जी ने उस समय हमें बहुत अच्छा ये HMV का रिकॉर्ड बना दिया। बाद में तो उन्होंने हमारे कई गीत लिखे, और उनके बेस्ट फ्रेंड हमारे नेशनल पोएट कवि प्रदीप जी थे, तो उन्हों को भी वो सेंटर पर लेके आए। कवि प्रदीप जी से हमारा बहुत अच्छी तरह मिलना हुआ, तो हमने उनको भी कहा कि प्रदीप जी आप हमें गीत लिख दीजिए। कवि प्रदीप जी हमेशा मुझे कहते थे कि देखो जब मुझे लिखना होगा तब ही मैं लिखूंगा। वो हमेशा हंस के कहते थे कि जंगल में कोयल को टहुकना है तभी वो टहुकती है, तो मैं भी ऐसा हूं, जब मेरे को आएगा मैं लिख के दूंगा। फिर एक बार वो रोज शाम को हमारे पास आते थे, अपने राजयोग सेंटर के बाजू में ही आप रहते थे, तो रोज शाम को आके हम 5-6 लोगों के साथ बैठते थे। उनसे हमें इतना सीखना मिला है, उनके पास हिंदी डिक्शनरी के इतने वर्ड जो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक बार वो बैठे थे तो बैठे बैठे मेरे को कहने लगे कि तेरे को पता है मैंने गीत लिखा है, हिमालय की चोटी से हमने ललकारा है। क्यों लिखा? मैंने कहा नहीं। बोला ये आजादी के लिए मैंने ये लिखा था। फिर दूसरी बार एक बार मेरे को कहा कि तेरे को पता है मैंने ये गीत लिखा था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये क्यों मैंने कमाल शब्द मैंने क्यों लिखा पता है? मैंने कहा नहीं पता है, आप बताइए। तो मुझे कहने लगे मैंने इसलिए लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, क्योंकि गांधी जी ने बिगर खड़गपी हमें आजादी दिलाई, बिगर तलवार आजादी दिलाई, माना सत्य और अहिंसा से हमें आजादी दी। तो हमेशा वो हमें एक्सप्लेनेशन देते थे। तो मैंने भी बात बात में उनको कहा कवि प्रदीप जी आप हमें भी एक पिताश्री जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, उनके लिए भी आप मुझे गीत लिख दीजिए ना, उनका 18 जनवरी पर स्मृति दिन अभी आ रहा है। तो वहां बैठे बैठे उन्होंने मेरे को तुरंत एक गीत लिख के दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया, माला माल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। और फिर हमने महेंद्र कपूर जी से ये गीत गवाया जो आज हमारे हजारों सेंटर पर और सभी जगह ये बज रहा है। तो उन्होंने बाद में तो काफी हमें सुंदर सुंदर गीत लिख के दिए। एक बार मैंने कहा कि हमें राजयोग के बारे में आप गीत लिख दीजिए, तो हंसते हंसते मुझे कहने लगे कि मैं तो राजयोग नहीं करता हूँ। मैंने कहा लेकिन आप यहाँ आते तो है ना,
आपको योग के बारे में तो पता है, और सचमुच मैं कहूं उन्होंने इतना सुंदर राजयोग के ऊपर हमें गीत लिख के दिया कि राजयोगी बनो, राजयोगी बनो, राजयोग से जीवन में परम शांति आएगी। राजयोग मानव को संयम सिखाता है, संतुलन आचरण में ले आता है। जो योगी इस योग को साधे, इसकी जीवन में सदा ही उन्नति होती है। इनके एक एक शब्दों में इतनी हमेशा क्लैरिटी रहती है कि जिससे आपका योग लग ही जाता है। तो इस तरह से कवि प्रदीप जी से हमें बहुत जीवन में सीखना भी मिला। कई एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, काफी कलाकारों के कनेक्शन में सेवा करने का हमें मौका मिला है, और समय प्रति समय मिलना रहता ही है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भी राजयोग का अभ्यास का अनुभव किया है। हमने थोड़े सालों पहले आई प्लेज फॉर पीस करके रोटरी क्लब के साथ एक प्रोग्राम किया था। हमारे ऋतिक रोशन जी ने बहुत अच्छी स्पीच दिया, और उनके नाना नानी हमारे काफी संपर्क में रहे। उनके नाना का नाम जे ओम प्रकाश, जिन्होंने वुमन एम्पावरमेंट के लिए 12-13 फिल्म बनाई, जिसमें उनको अवॉर्ड मिला हुआ है। वो रेगुलर हमारे राजयोग सेंटर पर आते रहते थे। थोड़े समय पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनके युगल भी रेगुलर सेंटर पर आके राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो मैं तो यही कहेंगी कि हमें भी उनकी विशेषताओं का लाभ मिलता है। हमारे पास ग्रेसी सिंह जी रेगुलर कनेक्शन में रहते हैं, सेंटर पर जाते हैं। सुरेश ओबेरॉय जी, अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो रोज सुबह हमारे मॉर्निंग क्लास में आप आते हैं, और बहुत सुंदर आप उनके मुंह से कभी सुनेंगे तो इनके बहुत सुंदर अनुभव है कि कैसे राजयोग से जीवन में परिवर्तन आता है। तो मैं आज आपको यही कहेंगी, हमें बहुत खुशी है इस आर्ट एंड कल्चर विंग का सुंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बहुत सफलता को प्राप्त करें आगे। और ये मीडिया, ये भी मीडिया में आता है, और मीडिया एक ऐसा साधन है जिससे बेहद सेवाएं हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी कल्चरल विंग सेवाएं करती रहे। ओम शांति। हार्टी थैंक्स टू योगिनी दीदी फॉर हर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ सर्विंग द आर्टिस्ट।